तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सुबह हो गई है फिर से, आज है 3rd of December, सिंगापुर में हैं हम लोग और मस्ती करने के फुल मोड में हैं। आंखें अभी भी नींद से भरी हुई हैं लेकिन मस्ती तो करनी है, अगर घूमने आए तो मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो आज का प्लान एक्चुअल में ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं सेंटोसा आइलैंड। इनफैक्ट हम लोग पहुँच भी चुके हैं सेंटोसा आइलैंड के पास में ही। अभी हमें आज 5 चीज़ें करनी हैं पूरे दिन में। तो सुबह एक कैब आई थी हमें, जो हमारा बुकिंग थी उसके हिसाब से कैब आई थी हमारे पास, हमारे होटल में अल्बर्ट स्ट्रीट पे। एंड आफ्टर दैट हम कैब में बैठे और देन वी हैव कम टू केबल कार, जो जहाँ पर भी केबल कार का एरिया है, शायद से माउंट फेबर करके एरिया है जहाँ पे केबल कार है। सो वी हैव कम देयर एंड इसके बाद हम यहाँ से केबल कार जाएंगे। केबल कार से हम लोग जाएंगे सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, जैसे विंग्स ऑफ टाइम्स, बटरफ्लाई पार्क, सी एक्वेरियम एंड ऑल। तो ये आज के दिन का पूरा प्लान रहेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको ब्रीफ कर दिया सो दैट आगे चलेंगे तो धीरे धीरे करके आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ बैठे हुए केबल कार में और व्यू बहुत ही तगड़ा व्यू है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और लिटरली बहुत ज्यादा फट रही है मेरी और दीक्षा की दोनों की एकदम से, सीट में इधर से उधर जाने में भी इतनी फटी थी। मुझे तो हाइट से बहुत तगड़ा फोबिया है, बहुत डर लगता है, लेकिन अब आए हैं तो एंजॉय करेंगे और मजे करेंगे। He's not coming, Shashwat. He doesn't want to come. तो बटरफ्लाई किंगडम में घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं ल्यूज एंड स्काई राइड पे। ल्यूज इज अ स्मॉल व्हीकल एंड उसके बाद स्काई राइड होगी, फिर वापस से मतलब वी विल गेट टू इन 2 राउंड। तो शूट करने का मुझे मौका मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो बैग में रहेगा सारा सामान, क्योंकि आई विल हैव टू राइड बाय माई सेल्फ। दूर से लोग चला रहे हैं उनके शॉट्स दिखा देता हूँ और उसके बाद आगे जब चलेंगे तब बात करूँगा आपसे। सो वी आर डन डूइंग ल्यूज एंड स्काई राइड। और भाई बहुत ही बड़ी गलती थी, या मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था, एक्शन कैमरा नहीं था, क्या बोलूँगा कि मैं वो शूट नहीं कर पाया वहाँ अंदर, क्योंकि दैट ल्यूज वॉज अ ग्रेट राइड। वो एक्चुअली राइड होती है जैसे गो कार्टिंग की तरह, एक कार्ट होता है छोटा सा, उसको चला सकते हैं, और ढलान वाला सा एरिया होता है, बहुत सेक्सी होता है, बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद हम लोग ने खाया पिया बहुत कुछ, और खा पी के सब खाया टूटा थोड़ा सा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेंटोसा बीच। सी एक्वेरियम जाने का प्लान था बट वो नहीं गए अभी हम लोग, क्योंकि वो बंद होने वाला है, 6 बजे लास्ट की टिकट मिलती है और अभी ऑलमोस्ट 6 बजी गए हैं। तो कल सुबह आएंगे हम लोग सी एक्वेरियम के लिए सेंटोसा आइलैंड दोबारा से, और क्योंकि हमें यूनिवर्सल स्टूडियोज़ भी जाना है, और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ और सी एक्वेरियम बिल्कुल अपोजिट हैं। तो पहले सी एक्वेरियम में जाके अपना मस्ती करके फिर जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग बीच पे गए थे शाम को, क्योंकि सी एक्वेरियम नहीं जा पाए। तो बीच के बाद अब पैदल पैदल जा रहे हैं, शूज़ उठा रखे हैं हाथ में क्योंकि पैर थोड़े से गंदे हो गए थे, ऐसे ही वॉक कर रहे हैं। वॉक करने का भी अलग ही मज़ा है नंगे पैर रोड्स पे, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई इतनी है ना कि कोई टेंशन नहीं होती कि शूज़ पहनने हैं नहीं पहनने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस विंग्स ऑफ टाइम की तरफ, क्योंकि लास्ट हमारा जो आज का अट्रैक्शन था
वो था विंग्स ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही बढ़िया एक शो होता है, लाइट एंड वाटर शो। उसमें एक स्टोरी सुनाते हैं बहुत अच्छी सी, अगर मैं दिखा पाया कुछ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा व्लॉग में, छोटा सा एक पार्ट डाल दूंगा। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो बहुत बढ़िया एक स्टोरी बताई थी उन लोगों ने, और बहुत सही बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो अभी आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स विंग्स ऑफ टाइम, इनफैक्ट वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स विंग्स ऑफ टाइम। कुछ खा लेंगे बीच में, एक मैगडी पड़ता है, सो वी लीड समथिंग इन मैगडी एंड देन विल गो टू विंग्स ऑफ टाइम। सो भाई डन विद द फूड एट मैगडी, और यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज मिलता है, यहाँ पे वेज मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट बीफ की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब अगर बीफ खाना हो तो बीफ के बर्गर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बीफ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और नॉनवेज और चिकन भी है, लेकिन वेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो दीक्षा को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दीक्षा वेजिटेरियन है और मैं नॉन वेज हूँ, तो मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, हाँ मतलब चिकन खाता हूँ, बीफ तो मैं भी नहीं खाता हूँ। सो मेरे लिए स्टिल ईजी हो जाता है खाना पीना, यहाँ पे सामान ईजिली मिल जाता है, बट वेजिटेरियन के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो दीक्षा ने सिर्फ फ्राइज खाए हैं, अभी मैंने बर्गर खाया है, चिकन बर्गर। सो अभी चलते हैं यहाँ से विंग्स ऑफ टाइम, बस टाइम होने ही वाला है, इट्स ऑलमोस्ट 8:30 नाउ, सो वी हैव टू रीच विंग्स ऑफ टाइम। 8:40 पे शो स्टार्ट है, जो भी शॉर्ट्स हो पाएंगे दिखाऊंगा और उसके बाद आगे बताऊंगा। This was a long nap. What century are we? Huh? The 21st century. But I've slept through thousands and thousands of years then. I have to go. Go where? Back to the beginning of time, where I belong. How do you intend to do that? By flying, of course. Strange boy. हाँ जी, तो फाइनली पूरा दिन बिताने के बाद हम लोग आ गए थे अपने होटल, थोड़ा सा रेस्ट किया, कपड़े वगैरह चेंज करे, उसके बाद निकल गए हम लोग डिनर करने के लिए। हमारे होटल के पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, शीश महल रेस्टोरेंट करके नाम था उसका, बहुत ओ वाओ मैन लैम्बोर्गिनी, सो दैट वाज अ ग्रेट सेक्सी कार, पिंक लैम्बोर्गिनी गई थी भाई अभी यहाँ से, उससे पहले BMW 5 सीरीज स्पोर्ट्स कार तो भरी पड़ी है यहाँ पे। तो डिनर किया हमने उस रेस्टोरेंट में, अभी थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं, सुबह उठ के आए यूनिवर्सल स्टूडियोज़ फाइनली, जहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पूरे दिन का फुल मज़ा आने वाला है। और दूसरा सी एक्वेरियम जाना है सुबह 1 घंटे के लिए, सी एक्वेरियम हम लोग नहीं गए अभी तक। सो यही था आज का पूरा दिन, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये व्लॉग देख के, वीडियो देख के। और सिंगापुर का छोटा सा सेंटोसा आइलैंड का छोटा सा टूर गाइड था ये, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा हूँ, बट आई थिंक कि जो कंटेंट बना रहा हूँ वो भी थोड़ा स्लो बना रहा हूँ, बट ठीक ठाक बना ही रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ठीक ठाक कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक, डू शेयर एंड डू हेल्प मी ग्रो, डू शो योर लव एंड थैंक यू वेरी मच इफ़ यू आर डूइंग दैट ऑलरेडी। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। So till then, eat well, sleep well, ride safe. My dear friends, and I'll see you in the next vlog. Bye-bye, take care. And I'll start to clap.